हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। जितने भी उड़ीसा वासी मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन रथ यात्रा के ऊपर रखे। तो आज जैसे कि पता है आप, पूरा वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा है ये। तो हमारे उड़ीसा में हर घर घर में सबसे बड़ा भगवान होता है, बट ये उड़ीसा, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में हमारी जो जगन्नाथ जी है ना, पूरा फेमस है। इनका जो रथ यात्रा है पूरा फेमस है। तो जितना भी उनका जो सारा हमारे जो वर्ल्ड में है, तो जितना भी उनका डिवडी है ना, वो रथ यात्रा का पूरा क्या बोलते बेसब्री से इंतजार करते कब रथ यात्रा होगा। इस बार जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दी तो रथ यात्रा होगा, सबके मन में ना कितना खुशी हो गया। भले ही हम टीवी में दर्शन करते, लाइव दर्शन करते, बट जगन्नाथ जी के पास ना 56 प्रकार के भोग लगाया जाता है। तो 56 प्रकार के भोग से ना मैं 2 आइटम मेरी किचन में सबसे फर्स्ट टाइम में बनाऊंगी। एक है कनिका, मतलब अब स्वीट पुलाव को बोल सकते हो, और एक मीठा डाली, मतलब हमारी जो दाल होता है हमारे उड़ीसा में, उसको डाली बोला जाता है। ठीक है, ये बोलोगे ये डाली में क्या खासियत है, मैं जो बनाऊंगी ना आपके साथ वो शेयर करूंगी क्यों खासियत है डाली। ये जो हमारा ना महाप्रसाद होता है, आप चाहे जितने भी खा लो, लेकिन जब आप पूरी में अगर गए हो, अगर ये जो कनिका और जो मीठा डाली नहीं खाया ना, तो कुछ भी नहीं खाया। रथ यात्रा में चलने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू सरोज ब्लॉग। अगर पास में जो बेल आइकन है ना, जो टिंग टिंग वाला घंटी का निशान, उसको भी दबा दोगे क्या, उसमें दबाने से क्या होगा, मेरे जो न्यू वीडियो आएगा आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर टू सरोज ब्लॉग। हम सुबह से हमारा टीवी ऑन है, हम लाइव देख रहे भगवान को। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ किस टाइप का होता है। ये जो रथ है ना, ये रथ को खींचने के लिए लाख लाख भक्त आते हैं। मतलब इस बार लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं है, उनकी जो पंडित लोग है वही लोग खींच रहे। देखो भगवान की कैसे माया है, इतनी कम लोग से रथ अपने आप मतलब चलता रहता है। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि आपको पता है रथ यात्रा है, उड़ीसा फेमस रथ यात्रा। 2 आइटम आज मैं बनाने जा रही हूँ, उसमें से एक है ये जो कनिका बोलते हैं। कनिका मतलब ये एक स्वीट पुलाव होता है, उसको हम लोग कनिका बोलते हैं, उड़ीसा में कनिका बोलते हैं, जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और उसके साथ मैं आज बनाऊँगी मीठा डाली, मतलब दाल को उड़ीसा में डाली बोला जाता है, तो इसलिए उसको मीठा डाली बोलते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कनिका बनाने की शुरुआत करते हैं। कनिका मतलब स्वीट पुलाव आप बोल सकते हो। ये है बासमती राइस, उसको आधा घंटा पहले भिगा के रखी हूँ। उसके लिए चाहिए देसी घी, और ये काजू और किशमिश, और मीठा होता है उसमें शक्कर जाता है। और इसके बाद ये तेजपत्ता, बड़ा इलायची, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, और ये थोड़ा सा हल्दी। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम कनिका बनाने के लिए, या मीठा अब पुलाव बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में घी रखेंगे, ऑलरेडी कढ़ाई हमारा गर्म है, यहाँ पर थोड़ा सा घी लेंगे। जैसे थोड़ा सा घी गर्म हो गया है, अब ये ड्राई फ्रूट है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में। ये हमारा उड़ीसा में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सबसे बड़ा, ये बड़ा ठाकुर है, जगन्नाथ को बड़ा ठाकुर बोलते हैं, बड़ा ठाकुर का बड़ा पर्व होता है ये। ये फ्राई हो गया हमारा, इसको अभी निकाल लेंगे। कढ़ाई हमारा गरम है, अभी देसी घी ऐड करेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे अच्छे से कलर के लिए, राइस में हमारा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे हमारा
अभी उसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, दालचीनी, जितने भी हम खड़ा गरम मसाला रखे थे ना उसको ऐड कर देंगे, अभी उसमें चावल ऐड करेंगे, अब जितना चावल लोगे उसका डबल पानी आपको लेना है, जैसे एक गिलास चावल लोगे तो उसको दो गिलास पानी लेना है, उसी हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैं दो गिलास राइस ली हूँ, मैं यहाँ पर 3.5 गिलास पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड करने से ना चावल थोड़ा सा खराब हो सकता है, पुलाव थोड़े से खिला खिला रहने से ना अच्छा लगता है। अब ये टर्मरिक ऐड कर देंगे, हमारे जो लॉर्ड जगन्नाथ जी है उनको स्वीट बहुत पसंद है, इसीलिए उनको हर आइटम में थोड़ा थोड़ा स्वीट ऐड होता है, जैसे मीठा डाली हो गया है और ये कनिका हो गया, ये भी स्वीट पुलाव है, तो बहुत पसंद है हमारा महाप्रभु को। यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे, ये मंदिर में जब भगवान के लिए बनाया जाता है ये मिट्टी के हांडी में बनाया जाता है, ये हम घर में बनाते तो इसलिए कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में बना सकते हो। अच्छे से उसको मिक्स कर दिए, ये जो शुगर है हम जैसे राइस पूरा पक जाएगा बाद में उसको ऐड करेंगे, अभी इसको आराम से ढंग के पकाएंगे जब तक हमारे चावल पक ना जाए, ठीक है। अभी मीठा डाली बनाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर हम रथ यात्रा स्पेशल मीठा डाली बना रहे हैं, लॉर्ड जगन्नाथ जी को मीठा डाली बहुत पसंद है, उनके लिए खास करके उनकी धर्मपत्नी जो महालक्ष्मी है खुद बनाया करते थे मिट्टी की हांडी में। आज हम मिट्टी की हांडी में नहीं बनाएंगे, मैं आज कुकर में बनाऊंगी, बट ये जो कुकर में हम सीटी नहीं लगाएंगे, इस टाइप का बनाएंगे। आप सोच रहे होगा डाली तो बनता है, मीठा डाली तो बनता है, इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है, ये मंदिर में बनाए जाते हैं मिट्टी हांडी में, यहाँ पर कोई भी चम्मच वगैरह नहीं हिलाया जाता उसमें, एक बार में उसको बिठाया जाता है, कोई भी तड़का नहीं लगता उसमें, ये है इसका खासियत है। ये 56 भोग से एक मेन डिश है उसमें मीठा डाली। इसके लिए हमको क्या चाहिए? तुअर दाल, ये तुअर दाल मैं आधा घंटा पहले भिगा कर रखी हूँ। इसके लिए हल्दी, ग्रेटेड अदरक, ये हींग और ये जीरा, थोड़ा सा नमक, ये देसी घी, और यहाँ पर ट्रेडिशनल के हिसाब से गुड़ जाता है, बट मेरे पास गुड़ नहीं है इसलिए मैं शुगर ऐड करूँगी। यहाँ पर ये नमक नहीं, मंदिर में जब बनाया जाता है ना वहाँ पर जो खड़ा साल्ट होता है, समुद्री नमक जो होता है उसमें ऐड किया जाता है, हम घर में बना रहे तो ये वाला प्लेन वाला नमक हम ऐड करेंगे। बस इतनी चीज़ों है, अब बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुकर में रखी हूँ, कुकर में ये दाल ऐड करेंगे, आपको जितना दाल है उसकी 3/4 पानी लेना है। मतलब दाल से 4 उंगली ऊपर का पानी लेना है, ये हमारा सही पानी है, और थोड़ा सा दे देंगे, ये धीरे धीरे पकेगा, इसमें कोई भी सीटी नहीं लगेगा। लग
दाल जैसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर उसमें जो टर्मरिक वगैरह ऐड करेंगे। अभी ओपन करके देखेंगे राइस का क्या हाल है। इसी स्टेज में हम ये शुगर है उसमें ऐड कर देंगे। आपको जितना मीठा खाना है आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हो। अच्छी से खुशबू आ रहा है उसमें। थोड़े से चेक करेंगे। और थोड़ा सा बाकी है। अभी गैस को स्लो करके अभी कवर करके और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दाल में बॉयल आ गया है, इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे ये जिंजर, टर्मरिक, ये सॉल्ट, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, मंदिर में जब बनाया जाता है ना ट्रेडिशनल के हिसाब से यहाँ पर कोई भी चम्मच वगैरह अंदर से हिला ही नहीं जाता है, इस टाइप का अपने आप पकता रहता है हंडी में, मिट्टी की हंडी में वो बनाया जाता है। जब हम घर में बनाते हैं तो आप चम्मच वगैरह उसमें ना कर सकते हो, अंदर में चम्मच वगैरह ये करके उसको, बट आज यहाँ पर मैं कोई भी चम्मच यूज नहीं करूँगी, देखूँगी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको इस टाइप का पकने के लिए स्लो गैस को स्लो फ्लेम करके उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कोई भी सीटी नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप को उसको पकने देंगे, कवर करके छोड़ देंगे। पांच मिनट हमारा हो गया है, अभी राइस को ओपन करके देखेंगे। ये खाने का हमारा पूरा प्रस्तुत हो गया है। अभी उसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश से गार्निशिंग कर देंगे। चावल हमारा पूरा ऑलरेडी पक चुका है, अभी ज़्यादा उसको हिलाए मत नहीं तो चावल टूट सकता है। अभी गैस को बंद कर देंगे। ये रेडी है हमारा महाप्रभु जगन्नाथ जी की कनिका स्वीट पुलाव। अभी देखेंगे दाल क्या हो गया है। देखिए गाइस, अभी तक मैं कोई चम्मच वगैरह नहीं हिलाया उसके अंदर से, ऐसे वो पक रहा है और भी वो पकेगा। इसी स्टेज में हम ये शुगर ऐड कर देंगे। एक्चुअली उसमें गुड़ जाता है बट गुड़ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। ऐसे डालना है, कुछ भी नहीं करना है और इसको पकने के लिए देंगे। गैस को स्लो फ्लेम में रखना है गैस। अभी फिर से ओपन करके देखेंगे। अभी हो रहा है उसके जो दाल का जो थिकनेस है आ रहा है, अभी उसको थोड़ा सा हिलाएंगे। मैं अभी तक कोई भी चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं हिलाई उसके अंदर से, देख सकते हैं आप। पहली बार ऐसा दाल मैं बना रही हूँ, खाई तो बहुत बार है लेकिन बना रही आज पहली बार ऐसे बिना चम्मच हिला के। ये जब हो जाएगा ना ऊपर से हम लोग तड़का लगाएंगे। एक्चुअली दाल जब बन रहा है मतलब मंदिर में बनता है उसमें तड़का नहीं लगाते, उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा हींग और देसी घी ऐड कर देते, बट हम घर में आज बना रहे हैं ना थोड़ा सा तड़का ऊपर में लगा सकते हैं, ठीक है। अभी फिर से 5-10 मिनट हो गया है, अभी फिर से ओपन करके देखेंगे। दाल हमारा पूरा बॉयल हो चुका है, अभी उसमें तड़का लगा देंगे।
यहाँ पर सबसे पहले मैं देसी घी लूंगी। ये जो कानी का अरे जो दाल है, आप कोशिश करोगे देसी घी में बनाने के लिए, उसका टेस्ट आता है। और ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, देसी घी में बनाया जाता है। अभी उसमें हींग ऐड कर देंगे। इसे दोनों गर्म हो गया, अभी ये जीरा ऐड कर देंगे। अभी गैस को ऑफ कर देंगे, जीरा को ज्यादा जलाएंगे नहीं है, इसमें ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा सा बचा के रखूंगी गार्निशिंग के लिए। अभी तो गैस आप यकीन नहीं करोगे, अभी तक मैं कोई भी चम्मच वगैरह उसके अंदर नहीं लाई हूँ, अपने आप ये पक रहा है। जो भी चीज आप भगवान के नाम से बनाना हो, ऑटोमेटिक जैसे मंदिर से बनने वाला ऊपर टेस्ट और स्वाद भी आ जाता है। आपको तो पता ही होगा, अब जिस दिन फास्ट रहते हो ना, उस दिन जो बना के खाते हो उससे वो ज्यादा टेस्ट लगता है। बाकी जो दिन में जो बनाते हो ना, वो सबसे डिफरेंट होता है। उसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, दाल हमारा रेडी है। देखिए गाइस, अब भी मैं चम्मच को उसके अंदर डाली हूँ, पहले से नहीं डाली थी। कितना अच्छे से हमारा दाल पूरा पक चुका है, ये थोड़ा सा ठीक रहता है ये दाल। आप कभी भी इस टाइप का दाल आप प्रिपेयर करोगे, यकीन मानिए जो दाल आप खाते हो ना, ये दुनिया की सबसे बेस्ट दाल होता है। और ये जो जीरा रखे थे तड़का, उसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे गार्निशिंग के लिए। ये रेडी हो गया हमारा ओडिशा फेमस रथ यात्रा स्पेशल मीठा डाली। ये था आज का स्पेशल ब्लॉग मीठा डाली और कनिका। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। यहीं तक था आज का ब्लॉग, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, लव यू गाइज़।